आरंभ में परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। उन्होंने आकाश, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उनकी महानता, भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और पशु पक्षी बनाए। तब उन्होंने मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन फूंका। पहला मनुष्य आदम कहलाया। तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पत्नी और साथी होने के लिए रचा। उसे हव्वा नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री और पुरुष रचा, इसलिए वह उनके साथ मिलजुल कर रहने का आनंद उठाते। वो बगीचे में आनंद से उनकी उपस्थिति में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था। बगीचे को अदन की वाटिका कहा गया। वहां कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, केवल एक को छोड़कर। अगर उसका फल खाओगे तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। परंतु एक दिन शैतान, जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान है, उसने हव्वा को परीक्षा में डालने की कोशिश की। उसने फल तोड़ा और कुछ खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया। उसी क्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं और उनकी आज्ञा तोड़ने वाले उनकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ा। उसके परिणाम स्वरूप आदम, हव्वा और उनका सारा वंश दुख और मृत्यु के भागीदार हुए। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु हैं। उन्होंने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने मनुष्य को फिर से अपनी संगति में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी इस योजना को प्रकट किया, जिसके द्वारा वे मनुष्य को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएंगे और उनके पाप और लज्जा को दूर करके अपनी संगति में वापस लाएंगे। भविष्यवक्ता अब्राहम पर उन्होंने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका आदर किया। परमेश्वर ने उसे आशीष देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि उसके द्वारा वो सब राष्ट्रों के लोगों को आशीष देंगे। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वे उसके वंश को सागर तट की रेत के कणों और आकाश के तारों के समान कर देंगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और लोगों ने उसे परमेश्वर का मित्र माना। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली कि वो उन पर विश्वास करता है या नहीं और उनकी आज्ञाओं को मानता है या नहीं। परमेश्वर ने उससे अपने बेटे की बलि देने को कहा। अब्राहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उसे बहुत बड़ा वंश देंगे। फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी आज्ञा मानी, इसलिए अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली। अब्राहम ने अपना खंजर उठाया, लेकिन तभी परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, बालक को नुकसान ना पहुंचा। मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है और मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है। तब अब्राहम ने अपने पास एक मेंढा देखा जो अपने सींग से झाड़ियों में फंसा हुआ था। अब्राहम ने उस मेंढे को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर के लिए उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे की जगह मेंढा उपलब्ध कराया, उन्होंने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उनका प्रेम उस अच्छे पिता के प्रेम जैसा है जो अपने पुत्र से प्रेम रखते हैं। इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि वे मनुष्यों के बदले एक बलि उपलब्ध कराएंगे। बहुत समय पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट किया कि वे एक पाप रहित व्यक्ति को आदम के वंशजों के बदले मरने के लिए भेजेंगे
और उनके पाप और लज्जा को दूर करेंगे। एक महान बलिदान के द्वारा वे उनके लिए जो उन पर विश्वास करेंगे एक मार्ग तैयार करेंगे कि वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप से रह सकें। भविष्यवक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह कहा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेंगे और वे उनके राजा होंगे और परमेश्वर के नाम से हमेशा उन पर राज्य करेंगे। उनके आने से कई सौ साल पहले भविष्यवक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेंगे और उनके साथ क्या होगा। भविष्यवक्ता दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोषणा करेंगे कि तू मेरा पुत्र है। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वो पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन होगा, जिसे परमेश्वर ने कुंवारी के गर्भ से मनुष्य के रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा। भविष्यवक्ताओं ने यह भी लिखा कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो यरूशलेम में उनके राजा के रूप में प्रवेश करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि 30 चांदी के टुकड़ों के बदले उनका एक नजदीकी मित्र उन्हें धोखा देगा। भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीह अपने जीवन का बलिदान करेंगे, लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतकों से जीवित कर देंगे। भविष्यवक्ताओं ने मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा और बताया कि वे दोबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्ट्रों के ऊपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे। 2000 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में रहते थे जिनका नाम यीशु था। क्या यीशु का जीवन उन सब बातों को जो भविष्यवक्ताओं ने मसीह के बारे में कहीं पूरा करता है? ये फिल्म ये बताती है कि यीशु कौन है और उन्होंने क्या कहा और क्या किया, जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है। इस फिल्म में कलाकार ने यीशु का पात्र निभाया है। वैसे तो कोई भी इस कार्य के योग्य नहीं, लेकिन इस फिल्म को इसलिए बनाया गया कि लोग यीशु के बारे में और उनके जीवन के बारे में जान सकें और उस आशीष को जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है प्राप्त कर सकें।